यस, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। सो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, दैट इज अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल्स। हमने पढ़ा था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक, जिसमें हमने इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि इग्नियस रॉक जो होती है वो प्राइमरी रॉक होती है, जिससे बाकी की जो अदर रॉक्स हैं जैसे मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री वो फॉर्म होती है। ठीक है, देन व्हाट वी हैव स्टडीड द यूजेस ऑफ रॉक्स। हमने कुछ जो है यूजेस पढ़े थे कि रॉक्स का यूजेस कहाँ कहाँ आता है। इवन हम उसको गेम्स में भी यूज करते हैं, हम रोड्स एंड हाउसेस एंड बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, रॉक्स का यूजेस करते हैं। तो ये देखो, आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आपका जो रेड सैंडस्टोन है उससे क्या बना हुआ है, रेड फोर्ट बना हुआ है। वैसे जो ताजमहल है वो आपका व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। ठीक है, ऐसे ही और भी तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बनी हुई है हमारी जो रॉक्स हैं उनसे। ठीक है, सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन। हमने पढ़ा था कि एक जो रॉक है वो दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। हमने यही चीज पढ़ी थी पूरे में कि जैसे इग्नियस रॉक है उससे क्या होता है आपका, इग्नियस रॉक पहले क्या होता है, मोल्टन मैग्मा। देखो आप जो पिक्चर में मुझसे पूछ रहा था ना कि मैम इंट्रूसिव रॉक में क्या प्रॉब्लम, मतलब कैसे होता है, तो ये देखो कुछ मोल्टन मैग्मा जो है जमीन के यानी कि अर्थ क्रस्ट में नीचे जाके भी जो है जम जाता है या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ जो है बाहर आके, तो जो अंदर ही रह जाता है और अंदर जाके कूल डाउन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव, और जो बाहर आके कूल डाउन होता है उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। अब ये जो बाहर आके आपके ये जो इससे मोल्टन मैग्मा से जो आपके रॉक्स आपका जो बन रहा है सॉलिड, उसको हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। फिर आप ये देखोगे इग्नियस रॉक जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में ब्रेक हो रही है, तो ये ब्रेक होके और कंप्रेस होके इसका जो टेक्सचर है, इसका जो जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ी सी चेंज जाती है। इसके ऊपर भी कुछ एक्टिविटी होती है, इग्नियस रॉक टूटी, टूटने के बाद उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी हुई और उस एक्टिविटी से क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हुई। ठीक है, एक्टिविटी मैंने बताई थी, कंप्रेस हो जाती है, हार्डन हो जाती है। ठीक है, फिर इस इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से और सेडिमेंट्री रॉक पे जब हम हीट और प्रेशर देते हैं तो उससे क्या बनता है, मेटामॉर्फिक बनता है। तो ये एक साइक्लिक मैनर में ये जो प्रोसेस है पूरा चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखो इस डायग्राम से और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई। सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। तो ये पूरा जो है आपका रॉक साइकिल है जो एक से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रहा है, एक रॉक से दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। ओके, ये जो लावा निकल रहा है मोल्टन मैग्मा में से, ठीक है, ये जो गरम गरम इसमें से निकल रहा है इसको मोल्टन मैग्मा बोला जाता है। ठीक है, जो आपका गरम गरम अंदर से वो वोल्केनो में से निकलती है ना चीज, उसको मोल्टन मैग्मा बोला जाता है, जो कि सेमी लिक्विड टेक्सचर में होता है। ठीक है, सो हमने पढ़ा था कि ये पूरा जो रॉक साइकिल है वो चलता रहता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड व्हेन इट्स मोल्टन मैग्मा कूल, हमने पढ़ा था कि ये जो लावा जैसे से निकल रहा है इसको मोल्टन मैग्मा बोला जाता है। तो वो क्या होता है, जब ठंडा होता है तो वो रॉकी फॉर्म ले लेता है और वो इग्नियस रॉक बन जाती है। देन ये इग्नियस रॉक आपका जो पार्टिकल से ब्रेक होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, डिपोजिट होता है, से सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। देन सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक को जब हम हीट और प्रेशराइज करते हैं तो उससे क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। तो ये पूरा रॉक साइकिल चल रहा है, आपको आपको ध्यान रखना है। अगर रॉक साइकिल में पूछ ले आपसे कि अब रॉक साइकिल क्या होती है, कैसे होता है उसका प्रोसेस, तो आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, और एक चीज और, आपको ये जो डायग्राम है रॉक साइकिल वाला, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। पता होना चाहिए कि मैग्मा है, मैग्मा से इग्नियस रॉक बन रहा है, देन से सेडिमेंट, सेडिमेंट रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, फिर वापस से मेटामॉर्फिक रॉक से क्या होता है, वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। वो मैग्मा में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, सो दिस इग्नियस रॉक हमने पढ़ लिया कैसे सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, हमें पता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक व्हिच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन, और इसी मेटामॉर्फिक को अगर हम ज्यादा हीट और प्रेशर देंगे तो ये क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो वो मेल्ट होकर वापस से किसमें चेंज हो जाती है, मोल्टन मैग्मा में। तो ये पूरा साइकिल प्रोसेस है कि जहां से वो स्टार्ट कर रहा है वहीं पे जाके उसकी एंडिंग हो रही है, यानी कि अगर मैग्मा सब चीजों को बना रहा है तो लास्ट में आते आते जो है वो वापस से मैग्मा भी बन सकता है। फिर दिस मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक, फिर ये मैग्मा जो है वापस कूल डाउन होता है और किसमें चेंज होता है, इग्नियस रॉक में। तो ये पूरी एक साइकिल है, पूरा एक प्रोसेस है, स्टार्टिंग और एंडिंग रिजल्ट हमें सेम ही देखने को मिलता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक तक बन गया, उसको अगर हमने ज्यादा हीट और प्रेशराइज कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा और मोल्टन मैग्मा हो जाएगा। तो इट्स अ रॉक साइकिल प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है पूरा। देन हमें बताया कि रॉक्स जो है बहुत, उसके अंदर अलग अलग तरह की रॉक होती है, तो अलग अलग मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, अलग अलग मिनरल से बना हुआ है। ठीक है, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैज सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बिकॉज़ मिनरल्स जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, अर्थ में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज, इनका जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। एंड मिनरल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, हम लोगों के लिए जो है मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्यूल का, ठीक है, तो कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इवन देर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कोल, यूरेनियम। तो आप देखोगे इन सबका यूज कहीं ना कहीं हम आज प्रेजेंट डे में कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो ये बताया कि रॉक्स में जो डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली अवेलेबल होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, और अगर हम उनका ज्यादा यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो हमें उनका जो है प्रॉपर यूज करना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए। फिर इसमें कुछ यूजेस बताया कि मिनरल्स जो है हमारे ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल के और डीजल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, कोल के बिना कोल का इंडस्ट्रीज में यूज आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कोल का यूज करते हैं हम कभी कभी, तो इसलिए क्या है, हमें हर चीज हर मिनरल जो है इंपॉर्टेंट है। So this is all about the chapter 2 inside our earth. इस chapter में बस इतना ही था। इसमें हमने पढ़ा था कि interior earth का जो interior है वो कैसा है, then उसमें हमने 3 layers पढ़ी थी, उसके बारे में ध्यान रखना है, then how rocks are formed, then minerals के बारे में हमने कुछ पढ़ा है, तो ये सब चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, okay? So this is all about chapter 2. और ऐसा ऐसा है।